हाय फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रहे हैं पोहा पिठा। जो सामग्री से हम पिठा बनाएंगे वो सारे चीज़ सबके घर में आसानी से मिल जाते हैं। थोड़ी सी चीज़ों से हम एकदम सॉफ्ट और फूले फूले पोहा पिठा बनाएंगे, जो बहुत देर तक ऐसे ही फूले फूले बने रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, झटपट पोहा पिठा बनाते हैं। एक बाउल में एक कप मैदा डालेंगे। सारे चीज़ों का नाप इस कप से लेंगे। सेम कप का हाफ कप सूजी डालेंगे और डाल देंगे हाफ कप चीनी, एक टीस्पून कलौंजी और थोड़ा सा नमक डालेंगे। अच्छे से सारे चीज़ों को मिक्स करेंगे। सारे चीज़ अच्छे से मिक्स्ड हो गए हैं, डाल देंगे सेम कप का एक कप दूध। दूध डालने के बाद सारे चीज़ों को अच्छे से दूध के साथ मिक्स करेंगे। बैटर का थिकनेस देखिए, थोड़ा सा गाढ़ा है, इसे हमें थोड़ा सा पतला बनाना है। दूध के कप पे मैंने हाफ कप पानी ले लिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे। 5 मिनट के लिए बैटर को अच्छे से फेंट लिए हैं मैंने। फेंटने से बैटर के अंदर हवा भरते हैं, जिससे पोहा पीठा बहुत अच्छे बनते हैं। आधा कप पानी में से इतना सा पानी बच गए हैं जो हमें नहीं चाहिए। अब बैटर को ढक के छोड़ देंगे आधा घंटे के लिए। आधा घंटा हो गए हैं, अब ढक्कन हटाएंगे। अब बैटर को 5 से 7 मिनट के लिए बहुत अच्छे से फेंटेंगे। फेंटने के तुरंत ही हमें पीठा बनाना है। पहले से तेल को गर्म होने के लिए रख दिए थे, तेल मीडियम गर्म है। 1 स्पून बैटर डाल देंगे तेल के अंदर। पीठा जब हल्का ऊपर आने लगे, ऐसे गर्म गर्म तेल पीठा के ऊपर डालते जाएंगे, जिससे पीठा बहुत अच्छे से फूलते हैं और बहुत देर तक ऐसे फूले फूले बने रहते हैं। ऊपर का कलर जब गोल्डन हो जाए तब हम पीठा को पलट देंगे। दोनों साइड से अच्छा कलर आने तक फ्राई करेंगे। दोनों साइड से अच्छा कलर आ गए हैं, अब पीठा को तेल से निकाल लेंगे। हर बार पीठा बनाने से पहले बैटर को एक बार अच्छे से फेंट लीजिए, इससे पीठा बहुत अच्छे से फूलते हैं। इस प्रोसेस से आप पीठा बनाएंगे तो एक भी पीठा आपका खराब नहीं होगा, सारे के सारे पीठा आपका परफेक्ट बनेगा। दोनों साइड से कलर आ गए हैं, पीठा को तेल से निकाल लेते हैं। सेम प्रोसेस से सारे पीठा बना लेंगे। सारे पोहा पीठा मैंने बना लिए हैं। एक एक पीठा देखिए कितना फूले फूले बने हैं। खाइए, खिलाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।